दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, इस चैनल पर आपको हमेशा से ही अच्छी ट्रिक्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता दर्पण के, जो सार संग्रह वाला पोर्शन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज से ये नई सीरीज़ जो है शुरू हो रही है, सार संग्रह प्रतियोगिता दर्पण। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो ये था आपका सदाशिव राव भाऊ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाशिव राव भाऊ। देखिए, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शिव जो है हमेशा पानी, यानी कि जो नीलकंठ से नीलकंठ है या फिर हरिद्वार, तो पानी और शिव, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें सेनापति कौन था। तो मराठों का सेनापति कौन था उसमें? सदाशिव, सदाशिव राव भाऊ। तो पानी और शिव का मेल होता है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो मराठों का सेनापति था वो था सदाशिव राव भाऊ। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका और जीतल जारी किए? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका और जीतल जारी किए? तो वो थे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे आप, जो अरबी सिक्के थे टंका और जीतल, यानी के टंका और जीतल किसने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने। तो टंका और जीतल, यानी के आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, किशमिश को एक टंकी, एक पीतल की टंकी में भर के रख दिया गया। तो टंकी से आपको याद रखना है टंका, और जीतल को याद रखना है पीतल से। तो टंका और जीतल जो अरबी सिक्के थे वो जारी किए थे इल्तुतमिश ने। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। क्वेश्चन फोर्थ, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो ये थे क्लीमेंट एटली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन फाइव, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो कौन सा राजवंश था जिसके समय में महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? वो थे आपके पल्लव राजवंश, महाबली, महाबली और पल्लव, तो दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी बली यानी कि महाबली किसने दी थी? पल्लवी ने। तो ऐसे याद रख सकते हैं, महाबली, महाबलीपुरम के जो मंदिर थे वो पल्लव राजवंश के दौरान स्थापित हुए। क्वेश्चन सिक्स, दीध निकाय किस पीटक का खंड है? तो दीध निकाय है सुत्थ पीटक का। क्वेश्चन सेवन, बनवाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बनवाली और कालीबंगा में सैंधव संस्कृति के किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? एक तो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के, तो दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के। क्वेश्चन एट, यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? तो जो यवनिका है किसके लिए प्रयोग करते हैं? वो करते हैं संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए, संस्कृति के जो नाटक होते हैं उनमें पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नाइन, पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान
गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो ये हुआ था अंतिम चरण में, पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान, ये हुआ था अंतिम चरण में। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? कुतुबुद्दीन क्या करते थे? लाखों का दान किया करते थे, इसलिए उन्हें लाख बख्श, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा, जावा सुमात्रा वाला जावा। क्वेश्चन 12, दक्षिण के अलावार तथा नयनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो अलावार थे विष्णु के और नयनार थे शिव के। तो ये थे इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के, भारतीय इतिहास और संस्कृति के 12 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। कल हम करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये हम कल करेंगे। धन्यवाद।